मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की बीड़ा उठा चुके सोनू सूद से ट्विटर पर अब तरह तरह की डिमांड लोग करने लगे हैं। आपको बता दें कि सोनू और उनकी टीम इस वक्त ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव है और सोशल मीडिया पर अपना फोन नंबर देकर उन लोगों को संपर्क करने को कह रहे हैं जो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। लोग ट्विटर पर लगातार उन्हें अपना डिटेल शेयर भी कर रहे हैं। ऐसे में एक ट्वीट उनके पास आया है जिसमें उनसे गर्लफ्रेंड को लेकर अजीब सी डिमांड की गई है। दरअसल जब से सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्विटर का दरवाजा हर जरूरतमंद के लिए खोल दिया है तब से उनके पास कुछ अजीब डिमांड भी आ रहे हैं। हालांकि सोनू इस वक्त ऐसे लोगों की बातों को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं और हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब एक शख्स ने सोनू सूद को ट्वीट कर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा है। उस शख्स ने अपने ट्वीट में कहा है, सोनू सूद भैया एक बार अपने गर्लफ्रेंड से मिलवा दीजिए, बिहार ही जाना है। सोनू ने इस शख्स के ट्वीट को भी नजरअंदाज नहीं किया और बहुत ही मजेदार जवाब भी दिया है। उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा है, थोड़े दिन दूर रह के देख ले भाई, सच्चे प्यार की परीक्षा भी हो जाएगी। यूजर्स कहने लगे हैं कि अब सोनू सूद से लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। एक शख्स ने तो इंडस्ट्री के बाकी सभी टॉप स्टार्स को तारा और सोनू को ध्रुव तारा तक बता दिया है। पिछले दिनों किसी ने ट्वीट कर उन्हें ठेके तक पहुंचाने की बात की थी तो सोनू सूद ने जवाब में कहा था कि भाई ठेके से घर तक पहुंचना हो तो बताना, दिल जीतने के लिए तो उनका काम ही काफी है। लेकिन अपने ऐसे जवाबों से भी सोनू लोगों के दिलों को खूब गुदगुदा भी रहे हैं। सोनू सूद लगातार लोगों को नंबर बांट रहे हैं ताकि बाहर जाने वाले लोग उनसे संपर्क कर सके। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, अगर आप मुंबई में हैं और अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें और बताएं कि आप कितने लोग हैं, अभी कहां पर हैं और कहां जाना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम जो भी मदद कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। सोनू सूद के इस नेक काम की तारीफें करते हुए लोग थक नहीं रहे हैं। उनके लिए हर दिल से आज बस दुआएं ही दुआएं निकल रही हैं। आपको बता दें, ऐसा करने वाले सोनू सूद बॉलीवुड के पहले एक्टर हैं। उन्होंने कई बस सेवाओं की व्यवस्था की जो प्रवासियों को उनके घर तक भेजने में मदद करेगी। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के ठाणे से गुलबर्गा के लिए कुल 10 बसें रवाना हुई थी। एक्टर ने खुद वहां पहुंचकर प्रवासियों का हाल जाना था और उन्हें घर के लिए विदा किया था। भाई सोनू सूद ने जरूरतमंदों के लिए जो काम किया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है और इस मुश्किल की घड़ी में सोनू सूद को हर कोई भगवान का दर्जा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।